स्मूथ एयर फ्लो निकलता है ना, उसकी वजह से भी आपका जो इंस्टेंट फील होती है वो अलग ही फील होती है। क्या बात, इसमें ना वेट ज्यादा फील होता है क्योंकि आपका स्टांस टोटली डिफरेंट है। सच को स्टांस ही कुछ ऐसा है, ये स्टांस ना बड़ा कमिटिंग सा स्टांस है और इस स्टांस में आपको धीरे चलाने का मन ही नहीं करता। भाई लोगों, टाइम हो रहा है 7:33 सुबह के। मैंने सोचा था 6:30 बजे के करीब राइड हो जाएगी अपनी स्टार्ट, लेकिन कोई नहीं, देर आया दुरुस्त है। भाइयों ने अभी अपडेट करा कि अभी हम निकल चुके हैं, हम भी निकलते हैं फिर। तो जी, बहुत दिन बाद संडे राइड हो रही है। ये होता है यार अक्सर, जब आपको लॉन्ग ट्रैवल करने की चूल हो जाती है ना, तो आप फिर शॉर्ट राइड्स वगैरह बहुत कम प्रेफर करते हो, इसलिए मैं आज राइडिंग जैकेट वगैरह भी नहीं पहन के आया। बहुत दिन बाद तुम्हें इंटरसेप्टर पर अपनी दुलारी पर मोटो व्लॉग दिख रहा होगा। देखो यार, हो क्या रहा है ना कि अब बाइक चलाने का समय इतना होता नहीं है, और दूसरी चीज की बारिशें इतनी हो रही है कि बाइकें मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रहा हूँ, इसलिए गाड़ी में ही जहाँ भी जा रहा हूँ गाड़ी में ही जा रहा हूँ। लास्ट संडे में हमारी एक राइड थी, लेकिन भाई रात को एकदम मौसम ठीक था, मैं बाइक वाइक एकदम सेट करके रख दी, और सुबह जब देखा तो भाई इतनी गंदी वाली बारिश। और मेन चीज ये होती है कि अगर दूर की राइड है तो बंदा कड़वा घुट करके निकल भी जाए कि हाँ चलो निकलते हैं, लेकिन जब पास की राइड होती है ना तो लगता है कि यार क्या ही भीगना। आज भी मैं वैसे अपना रेनकोट वगैरह लेके चल रहा हूँ, जस्ट इन केस बारिश हो जाती है तो अपने पास ऑप्शन रहेगा कि बचने का उससे। मैंने सोचा था कि 6:30 बजे करीब राइड शुरू हो जाएगी, लेकिन यार राइड आज शुरू थोड़ा सा लेट हुई। बाइक की आवाज आपको उतनी ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि बाइक में मैंने कल रात को ही डीबी किलर्स लगा ली। यहाँ से लेना है अपन ने यू टर्न, सीधा हाईवे पे चढ़ जाना है। 5-6 राइडर और शायद से ज्वाइन कर रहे हैं। बोला भाई मैंने कि आप मेरे को करनाल बाईपास मिलो कूड़े के ढेर के सामने, तो लेट्स सी वहीं मिलते हैं, उससे आगे मिलते हैं, पीछे मिलते हैं। क्या बहुत दिन बाद इस बाइक पे मोटर व्लॉग करने का मौका मिल रहा है। भाई हर एक चीज की ना एक अलग फील होती है, इसकी एक अलग फील है, स्प्लेंडर चलाओगे उसकी एक अलग फील है, BMW 310 GS चलाऊंगा उसकी एक अलग फील है। इतने दिन बाद इसमें राइड कर रहा हूँ ना भाई साहब, क्या चुम्बेश्वर वाली फीलिंग आ रही है। इसमें क्या होता है ना कि अब राइड तो कर नहीं पा रहा हूँ बारिशों की वजह से, ऑन करके स्टार्ट करके थोड़ी देर रख देता हूँ कि बैटरी वगैरह डाउन ना हो। डीबी किलर्स लगा के जो इसका इंस्टेंट एक्सेलरेशन आता है ना, मतलब जो पावर इंस्टेंट फील होती है ना, वो डीबी किलर हटा के फील नहीं होती। क्या बात, थोड़ी फाइनली ग्लव्स पहनने ही पड़ गए मेरे को। अभी बारिश नहीं है, सूरज देवता निकले हुए हैं, लेकिन मौसम अच्छा हो रखा है क्योंकि अभी सुबह सुबह का एक तो टाइम है। ओ भाई बस ठुकी हुई है। तो जी राइट साइड में मेरे बुराड़ी है, और अपडेट ये है कि उन्होंने मेरे को कॉल करा और फ़ोन जेब में था, पता चला नहीं, इंटरकॉम वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो आज पता ही नहीं चला कॉल का। तो 2-3 कॉल्स मेरे से मिस हो गई, वो आगे निकल गए, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, गति को बढ़ा के उनको पकड़ते हैं। अब तुमको मैं रियल लाइफ GTA दिखाता हूँ कि चेस कैसे किया जाता है। रैश ड्राइविंग कभी करता नहीं हूँ, बट कभी कभार जब जरूरत पड़ जाती है ना तो अपने स्किल्स दिखाने चाहिए। एक तो भाई मार्किंग वगैरह भी नहीं लगाई हुई ब्रेकर्स पर कि दिख जाए। पहाड़ तो पहुँच गए कूड़े वाले, अब उनको देखते हैं वो कितना आगे निकल चुके हैं। मेरे राइट में है ये मनाली के पहाड़। अरे यार मनाली के नहीं यार, ये दिल्ली के पहाड़ हैं। बस यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट और सीधा हाईवे पकड़ के उनके पास सीधा चला गया रोहिणी, लेफ्ट ले लिया। पर इस बाइक को भाई लीन करने में जो फील आती है ना, बयान नहीं हो पाती वो शब्दों में। कभी कॉलेज जाया करते थे, यहाँ से गुजरा करते थे, तब भी यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी। यहाँ कभी भीड़ ख़त्म ही नहीं हो सकती क्योंकि पब्लिक को कहीं कहीं जाना है, कहीं कहीं जाना है। हम तो अपना वाहन लेकर उठा के निकल जाते हैं, तो यहाँ एग्जैक्टली उन्होंने मिलना था मेरे को। क्या बात है, 8:15 बज रहा होगा तो मैंने देखा कि कुछ राइडर्स तो भाई वापस घर को भी निकल लिए, और अभी हम तो जा रहे हैं, मिले भी नहीं है। हाय वरुण, चलो। तो भाई बड़ी देर की मशक्कत के बाद फाइनली मिल लिए, और अभी मैं पता नहीं बॉर्डर के पास हूँ, कहाँ हूँ, बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, क्योंकि अब ना जब से हाईवे वगैरह बन गए हैं तो पता भी नहीं चलता। और भाई इस बाइक की भी अलग ही फील है, मतलब मैंने इस पे रिव्यू बना रखा ऑलरेडी, अगर देखना हो किसी को तो आप देख सकते हो, मेरी किसी ना किसी वीडियो में दिख जाएगा, कुछ दिनों पहले की वीडियो ही है। काफ़ी अच्छी बाइक है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, और जब आप ऊपर बैठ जाओगे तो एक दो बंदे बैठ जाएंगे तो और ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा पैकेज है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, इक्विपमेंट जो एक्सेसरीज वगैरह यूज़ करिए बाइक के ऊपर, कंफर्टेबल बाइक है, लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस बाइक पर नहीं हो पाएगी। नहीं, दुलारी बेस्ट है भाई, कहीं भी ले जाओ। कुछ राइडर्स पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे निकल चुके हैं, और हम चले हुए एकदम धीरे धीरे मौसम का मजा लेते हुए। तो अपने साथ है आज इंटरसेप्टर, पीछे आ रही है हिमालयन,
एक है जीटी और एक है सुपर मीटियोर और एक है अपनी दुलारी। तो जी पहुंच चुके हैं हम ऋषिक सुखदेव। बहुत समय बाद आया हूं मैं यहां पे, लेकिन जब भी आता हूं इतना जाम मिलता है, इतना ट्रैफिक मिलता है। तुमने जब मेरे को लाइव लोकेशन शेयर करी ना, तुमने बताया नहीं कि हम निकल रहे हैं यहाँ से। हाय हाय वरुण, वरुण वरुण, हाय वरुण, वरुण ये मेन बंदे हैं हमारे। हाय वरुण भाई साहब, फुल पैक हो रहा है एकदम। ये पनीर है, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। तो बॉयस निकल रहे हैं, बस खाना वाना खा लिया, दो दो पराठे। मैं गलत बोल रहा था, हिमालयन नहीं है, स्क्रैम है, स्क्रैम। नाइस, चलो जी लेट्स गो, बाय बाय अमरीक सुखदेव। तो गगन भाई चला रहे हैं अपनी इंटरसेप्टर तुलारी और मैं चला रहा हूँ जीटी। मैं तो पहली बार चला रहा हूँ जीटी, लेट्स गो। क्या बात है भाई साहब, इसकी फील ये लगा यार, क्या बात है, क्या बात है। इस बाइक की टोटल फील अलग है भाई, टोटल फील एकदम चेंज। सैडलिंग कर रहे हैं गगन भाई अपनी दुलारी पे, थोड़ा भगा के देखते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओ भाई साहब, ओ भाई, लॉन्ग राइड पे तो दुखा देगी, लेकिन भाई जो फील आ रही है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। स्टांस ही कुछ ऐसा है, ये स्टांस ना बड़ा कमिटिंग सा स्टांस है, और इस स्टांस में आपको धीरे चलाने का मन ही नहीं करता। इसमें बस ये है कि आपके जो फुटपैक्स थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि पूरा स्पोर्टी रुक दिया हुआ है इस बाइक। तो भाई यहाँ से ये सब केएमपी पकड़ के सीधा गुड़गांव निकलेंगे, और मैं सीधा निकलूंगा, क्योंकि मेरे को वैसे ये बोल रहे थे कि साथ चल रहे, बट यार बहुत दूर पड़ेगा गुड़गांव से अगर मैं वापस आऊँगा, और इतनी गर्मी में। तो मैंने कहा भाई मैं यहीं से निकलता हूँ, सीधा सीधा आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। जीटी जीटी, तू इतना तेल क्यों पीती। वैसे तेल पीने वाला हिसाब किताब से दोनों के साथ है, इंटरसेप्टर जीटी दोनों के साथ। नाइस मीटिंग यू, फिर मिलेंगे आपसे, बधाई हो सुपर मीटियोर की, फिर मिलेंगे, चलो बाय बाय। सही है, इसकी अपनी फील है भाई, चलो बाय बाय, चलो नेक्स्ट राइड, नेक्स्ट राइड, बाय बाय। सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या होती है, जब आपको नए नए लोग मिलते हैं और आपकी लिस्ट में जुड़ते जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। 45 मिनट्स में घर पहुंच जाऊंगा। हाय गर्मी, हमारी दुलारी जी यहाँ से ना बहुत हीट फेंकती हैं। बाकी फन आया भाई आज की राइड का, और जो भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दिया करो, वीडियो देखते हो और पूरी वीडियो देखते हो तो यार लाइक करके जाया करो, बिना लाइक करे मत जाया करो भाई। लाइक करते हो कमेंट करते हो ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि उसको वो ना ज़्यादा पुश करता है आगे की जनता की तरफ, कि इसमें कुछ हैपनिंग हो रहा है इस वीडियो में। प्यार बांटने से बढ़ता है, और कुछ नहीं पता कितनी बड़ी जिंदगी है, कितनी छोटी सी जिंदगी है, जितना प्यार बांटो उतना बढ़िया रहता है। अब भाई जिन्हें पता है उन्हें पता है, यहाँ से लेफ्ट लेके कुछ दूर चलते ही और कुछ देर चलते ही हमारा घर आ जाएगा। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि कुछ ही दिनों में मेरी प्यारी सी राइड और बहुत एडवेंचरस राइड स्टार्ट होने वाली है। जो भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप उस राइड को देख पाओ, क्योंकि वहां हम डेडलीस्ट रोड है उस पे राइड करेंगे। हम दो बंदे होंगे, कौन दो बंदे होंगे मैं बताऊंगा जिस दिन राइड स्टार्ट होगी। वो राइड एकदम धमाकेदार रहने वाली है, और इस मौसम में राइड करना एक अलग ही टास्क होगा, जो कि हम करेंगे। अगले संडे भी एक हमारी राइड है, वो जब संडे को राइड होगी वो मैं तभी बताऊंगा। आप होप करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा बहुत दिन बाद इंटरसेप्टर पर व्लॉग देख के।